प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकी मैडम क्राइस्ट चर्च कान्वेंटी स्कूल गाडरवारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा सातवीं विषय हिंदी। मैं आज आपको पाठ 16 नीति दशक पाठ की व्याख्या समझाने जा रहे हैं। नीति दशक, नीति के दोहे जिनसे कुछ शिक्षा प्राप्त होती है। कबीरदास जी, रहीमदास जी और ग्रंथ कवि, इनके दोहे हैं। इनको हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए तो मिलाइए, निकाल लीजिए आप नीति दशक। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कबीरदास जी के दोहे बताती हूँ। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की बोली अमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। जो कोई बोले जान, हमें सोच समझ करके बोली मुंह से बाहर निकालना चाहिए, अर्थात सोच समझ करके बोलना चाहिए। ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, हमें अपने हृदय रूपी तराजू में अपनी बोली को तौल लेना चाहिए और फिर उसके बाद वह बोली हमें बाहर निकालना चाहिए। आया समझ में? एक बार और समझ लीजिए। देखिए, कबीरदास, देखिए आपको संदर्भ तो आता है और प्रसंग भी आता है। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक शुभम भारती के पाठ 16 नीति दशक नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग में कबीरदास जी ने बोली के विषय में बताया गया है। अब देखिए, अब इसका फिर से सुन लीजिए एक बार। कबीरदास जी कहते हैं कि मुंह से निकला प्रत्येक बोल वही जानता है जो बोलता है। हमें सोच समझकर और तौल तौल कर बोलना चाहिए। आया समझ में? अब दूसरा देखिए, जब गुण, हाँ दूसरा देखिए, जब गुण के गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, जब गुण के गाहक नहीं तब कोणी बदले जाए। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जब, संत कबीर जी कहते हैं गुण अथवा लक्षण के महत्व को दर्शाते हुए उन्होंने इस दोहे में कहा है कि जब किसी गुण को लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है तो उसको सहर्ष कोई नहीं मिलता, तब वह दो कोणी का हो जाता है। अच्छे गुणों को लोग स्वीकार कर लेते हैं और जब कोई नहीं मिलता गुणों का ग्राहक तो वह कोणी के भाव चला जाता है। तो देखिए, एक बार और समझिए, जब गुण को गाहक मिले, जब कोई हमारे लक्षण या गुण को समझने वाला होता है तो वह गुणवान व्यक्ति हमारे गुणों को समझ करके लाखों की कीमत में ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जब गुण को समझने वाला कोई नहीं मिलता, हमारे गुणों को कोई नहीं जानता, तो हमारे गुण कोणे के भाव बिक जाते हैं, यानी उनको लेने वाला कोई नहीं होता। निंदक दूरी न कीजिए, दीजिए आदर मान, निर्मल तन मन सर करे बकी बकी या नहीं आन। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले को अपने से दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाले हमारी निंदा कर करके हमारे हृदय को यानी तन को मन को निंदा के द्वारा निर्मल बना देते हैं, अर्थात वो बार बार हमारी निंदा करते हैं जिस कारण से हम उस कार्य को करना छोड़ देते हैं और हम क्या बन जाते हैं, स्वच्छ यानी निर्मल बन जाते हैं, किसी की बुराई नहीं करते। अब देखिए, अभी मैंने आपको कबीरदास जी के दोहे बताए, उसके बाद देखिए रहीम जी के दोहे। आप न काहू काम के डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरे रहीमन पेड़ बबूल। यहाँ पर
रहीम दास जी कहते हैं कि उन लोगों के विषय में कहा है जो स्वयं कपटी होते हैं और स्वार्थी होते हैं, सारे दिन पाप के कार्य करते रहते हैं, अर्थात वो किसी काम के नहीं होते, लेकिन फिर भी वे दूसरों को गलत काम करने से रोकते रहते हैं। आया समझ में? रहीम दास जी ने ऐसे व्यक्तियों के विषय में बताया है जो स्वयं स्वार्थी और कपटी होते हैं, जो किसी काम के नहीं है, लेकिन वह दूसरों को बुरे कार्य करने से रोकते रहते हैं। आया समझ में? अब दूसरा देखिए, समय लाभ समय लाभ नहीं, समय चूक समय चूक, चतुरन चित रही मन लगी समय चूक की हूक। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं यदि ईश्वर हमें समय देता है तो हमें उस समय का लाभ अवश्य उठा लेना चाहिए, लाभ उठाने में हमें चूक नहीं करनी चाहिए। एक बार समय निकल जाने पर, अवसर निकल जाने पर हमें हाँ समय के लिए पछताना पड़ता है, अर्थात हाथ धोते रह जाते हैं। इसलिए हमें समझदार व्यक्ति समय को अपने हाथों से नहीं निकलने देता। आगे का देखिए, जब लगे वित्त न आप नो तब लगे मित्र न कोई, रहीमन खोजे रहीमन अंबुज अंबुबेन रवि ताका रिपु हो। जब तक हमारे पास धन पैसा रहता है तब तक हमारे मित्र अनेकों बन जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास धन संपत्ति नहीं होती तो हमारे नजदीक के मित्र भी हमसे दूर चले जाते हैं। वह उसी प्रकार होता है जिस तरह रहीम दास जी कहते हैं, पानी के रहते हुए सूर्य कमल का मित्र रहता है, लेकिन पानी ना रहने पर वही सूर्य कमल का शत्रु बन जाता है। आया समझ में? जब तक हमारे पास धन संपत्ति रहती है तब तक हमारे अनेकों मित्र होते हैं, लेकिन धन संपत्ति ना होने पर हमारे नजदीक के मित्र भी हमसे दूर हो जाते हैं। यह उसी प्रकार होता है जिस तरह की जब कमल सरोवर या पानी में खिला रहता है तब तक सूर्य उसकी रक्षा करता है, लेकिन सरोवर के सूख जाने पर या पानी के सूख जाने पर वही सूर्य कमल का शत्रु बन जाता है। आगे देखिए, रहीमन खोजे ऊख में जहां रसन की खान, जहां गांठ तक रस नहीं यही प्रीति में हान। रहीम दास जी कहते हैं गन्ने को सभी जानते हैं, ऊख यानी होता है गन्ना, गन्ने को सभी जानते हैं जिसमें रस भरा रहता है, लेकिन रहीम दास जी उसकी गांठ में रस को देखते हैं जहां पर एक बूंद भी रस नहीं होता। यह उसी प्रकार होता है जहां गांठ तक रस नहीं यह प्रीति महान। इसी तरह जहां गांठ है वहां रस नहीं होता, इसी तरह यदि प्रेम करने वाले या मित्रों के बीच में कोई गांठ आ जाती है तो फिर वह रस यानी वह प्रेम नहीं होता है। आया समझ में? रहीम दास जी गन्ने में देखते हैं कि रसी रस भरा होता है, लेकिन रहीम दास जी गन्ने की गांठ में देखते हैं कि वहां रस नहीं होता। इसी तरह दो मित्रों के बीच जब तक प्रेम है तो रसी रस है, लेकिन किसी मनमुटाव के कारण उनमें जो गांठ पड़ जाती है तो वह प्रेम क्या है टूट जाता है, फिर रस प्राप्त नहीं होता। आगे का देखिए, शशि सुकेश साहस सलिल मान स्नेह रहीम। रहीम दास जी कहते हैं शशि यानी चंद्रमा, सुकेश यानी बाल, साहस पानी और मान सम्मान, ये बढ़ते बहुत जल्दी बढ़ते हैं, इनके बढ़ने में कोई देर नहीं होती, लेकिन बढ़त बढ़त बढ़ी जाते हैं घटत घटत घटी सी, इनके बढ़ने की भी कोई सीमा नहीं होती, और जब ये घटते हैं तो बहुत जल्दी घटते हैं, घटने में भी इन्हें देर नहीं लगती है।
आया समझ में? रहीम दास जी कहते हैं कि जिस तरह चंद्रमा बाल साहस पानी मान और प्रेम जितनी तेजी से बढ़ते उतनी तेजी से कम होते चले जाते हैं, जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, सबकी नियति में चाल में अंतर आना स्वाभाविक है। अब आगे देखिए ब्रंद के दोहे। अब ब्रंद कवि लिखते हैं, जहां सहन तह प्रीत है, प्रीत तहां सुख ठोर, जहां पुष्प तह वास है, जहां वास तह मोर। तो देखिए रहीम दास जी ने इस दोहे में बताया है कि ब्रंद कवि ने इस दोहे में बताया है कि प्रेम की सार्थकता को प्रकट करते हुए कहते हैं, सच्चे प्रेम का सुख तभी प्राप्त होता है जब प्रेमी भी प्रेम में डूबा हो। सच्चा सुख हमें तभी प्राप्त होता है जब सामने वाला प्रेमी भी उस प्रेम में डूबा हो। यदि एक तरफ का प्रेम होता है तो वहां हमें सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जहां फूलों में वास होती है वही मोर भी घूमता है, अतः प्रेम अतुलनीय होता है। सुनिए सभी की कही, करिए सहित विचार, सर्व लोग राजी रहे सो कीजिए उपचार। यहां पर ब्रंद जी कहते हैं कि मनुष्य को सबकी बात सुनना चाहिए और उस बात को सुनकर के अपने मन से विचार करना चाहिए, और हमें ऐसी बात सबके सामने सोच विचार कर रखना चाहिए जिसमें सभी उस बात से राजी हो जाएं। एक बार और सुन लीजिए इसको, ब्रंद कवि कहते हैं कि हमें कुछ भी निर्णय लेने से पहले सबकी राय सुन लेनी चाहिए, तत्पश्चात हमें अपने हृदय से विचार करना चाहिए, ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिसमें सभी संबंधित लोग एकमत हों, अर्थात हमें कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। आया समझ में? तो बेटा मैंने आपको रहीम कबीरदास जी, रहीम दास जी और ब्रंद जी के दोहों की व्याख्या बता दी है, आपको समझ में आ गए होंगे ये नीति दशक दोहे थे। इनसे हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। आया समझ में? आप ये अच्छे लगे होंगे, यदि आप अच्छे से नहीं समझ पाए तो वीडियो में फिर से सुन सकते हैं। आया समझ में? धन्यवाद।